मैंने अपने हाथों से खुद इतनी मज़े मज़े की चीज़ें बनाई हैं, बहुत कुछ बनाया है, बहुत मज़े का बनाया है और बहुत अच्छा बनाया है, तो आप भी देखिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि आपको पता है कि माशाल्लाह से आज 9वां रोज़ा इफ्तार हो रहा है, तो बस मैंने भी इफ्तारी की चीज़ें बनाई थी और रोज़ा भी इफ्तार टाइम था, तो मैंने सोचा आपके साथ वीडियो भी शेयर कर देती हूँ। और हर वीडियो की तरह मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को सारे को देखा करें, लाइक किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। तो चलें देखते हैं मैंने क्या क्या बनाया है अफ्तारी में, मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो ये देखें व्यूवर्स, ये मैंने बनाए पकौड़े जो माशाल्लाह बहुत ही प्यारे बने हैं, अच्छे बने हैं। और ये साथ में अमरूद हैं कटे हुए, और ये खरबूजा है, और ये मैंने फ्रूट चाट बनाई है, और ये खजूरें हैं, और ये मैंने पानी बनाया है मीठा, जामे शीरी इसमें डाला है, और इसमें मैंने छिलका डाला है, और तुखम लंगा जो मैंने पहले दो तकरीबन 2-3 घंटे पहले मैंने भिगो के रखा था, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है। जैसा कि पता है आपको गर्मी भी है और रोज़ा होता है, तो जारी बात है मैदा या मतलब गर्माइश हो जाती है अंदर मैदे में, तो ये बहुत अच्छा होता है। ये आप भी ट्राई कीजिएगा ज़रूर, अफ्तारी के टाइम पहले भिगो के रख दीजिएगा और पानी में ज़रूर इसको डाल के पिया करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है। तो मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी, और मेरी चीज़ें भी अच्छी लगी होंगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सारी को देखा करें, प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर देखा करें। हर वीडियो में मेरी रिक्वेस्ट होती है आपको, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपकी भी दुआएं भी कबूल करे, मेरी भी कबूल करे, इबादत कबूल करे, और रोज़े जो हम रख रहे हैं, इबादतें कर रहे हैं इस नेक महीने के सदके, अल्लाह ताला आपके भी कबूल करे और मेरी भी करे। तो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।